तो अरे क्या हाल चाल चुका हूँ एक और वीडियो लेके। और गाइज आज जा रहे हम इलेक्ट्रिक किसी बिल्डिंग में, नीचे कुछ बंदे भी उतर चुके हैं। तो भैया PP19 मिल चुके हैं, तो रस मारते जल्दी से इस पे चल के। तो भैया जी मुझे दिख चुके हैं, तो भैया पकड़ते जल्दी से चल के इसको। अब ये बेचारा मेरे हिसाब से भैया बेस्ट हेलमेट ढूंढ रहा कि मिल जाए तो भैया फाइट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम भाई साहब निपटा देते इन काल भैया को हमारे को। वो थोड़ी लूट वूट कर लेंगे यार, क्योंकि PP19 गन अच्छी है लेकिन AKM से अच्छी नहीं है। AKM उठा लेते जल्दी से। और भैया इधर कुछ अत्याचारी लोग जो कि बहुत देर से अत्याचार कर रहे किसी बोट पे। अब पता नहीं किसी बोट को मारा था, किसको मारा था, इन्हें मारा था बस किसी को, इतना पता है मुझे। जो कि भाई साहब मेरे हिसाब से ये बंदा मतलब उस बंदे पे एक तो बोट पे अत्याचार किया और उस बोट को लूटने जा रहा था बेचारा, लेकिन हमारे हत्ते चढ़ गया तो निपटा देते इसको। तो तुम एक चीज़ तो अच्छे से पता है भाई, जब जब मैं किसी को नॉक करता हूँ मेरे टीममेट अगर मेरे पीछे हुए तो भैया उसकी जान तो मतलब 101% खतरे में होती है। मतलब वो बच ही नहीं सकता उन लोगों से, वो पक्का मारेंगे उसे, क्योंकि उनको चाहिए भैया लूट। जब तक उन्हें लूट नहीं मिलेगी तो वो खुश नहीं होते, तो लूटने के लिए भैया मारना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इनके कुछ बंदे हैं जो कि कैंप करने लग रहे हैं इधर, तो नेट वेट मारते थोड़े बहुत, कोई क्या पता फटफट हो जाए भाई। लेकिन एक बोट आ जाता है बीच में जो कि भाई एकदम कंफ्यूज कर देता है सबको। ओ भाई साहब मतलब एक गोली लगनी थी मेरे को, लेकिन मैं बच गया यहाँ पे जैसे तैसे करके। खैर नहीं तो भाई ये बंदा क्या पता वो जी से मुझे नॉक करके पूरा ही फिनिश कर देता, कोई पता नहीं होता भाई ऐसे लोगों का। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे बच चुके हैं और कुछ बंदे नहीं, मतलब ये गोट बाबा आते तो इसको निपटाते हैं। बाबा जी पता नहीं कौन सी जन्म का कपड़ा पहन के आया, तो अजीब ही लग रहा है मुझे, बहुत सीजन 9 का बोट लग रहा है। और भाई साहब इधर की तरफ मेरे बंदों ने मतलब मेरे टीममेट लोग ने इधर किसी को नॉक वॉक किया है, तो हम भी चलते पार्टी में शामिल होने। अब एक बंदा तुम्हें दिख रहा होगा जो सी बिल्डिंग पे नाच रहा था अभी, देखा था तुमने राइट की तरफ, तो वो बंदा कूद के थोड़ी बहुत देर में इधर ही आने वाला है। अब इनको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन शायद से वो बंदा इन्हीं का टीममेट था जो कि भाई सब कूद के इधर ओपन में मतलब आ चुका है घासों की तरफ, जो कि नीचे आके लेट चुका है। और गाइज मतलब कुछ जगह होती है जिनको मैं वीडियो में फास्ट मोशन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सीधा काट देता इस वीडियो को कौन सी जगह तक, जो भी मैं फास्ट में चला रहा हूँ वो अगर मैं काट देता पूरा पार्ट, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि भाई मैंने क्या किया था बीच में। तो गाइज मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई तुमको भी कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिले कि कैसे TP पे लेते हैं, कहाँ पे TP पे लेना चाहिए, ओपन में जाना कब चाहिए नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम ओपन में नहीं जा रहे थे क्योंकि भाई सामने सपेरा लेटा पड़ा है, अकेला सपेरा पूरी टीम का स्कैम कर देता कभी कभार। तो यही चीज़ें आपको सीखने को मिलती है वीडियोज़ में। अब कुछ लोग होते हैं कि पूरा वीडियो काट देते हैं, मैं भी काट देता था पहले, लेकिन यार जब तुम 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, अपना कीमती समय इधर दे रहे हो 10 मिनट का, तो भाई तुम्हें कुछ सीखने को ही नहीं मिले तो क्या फ़ायदा उस वीडियो को देखने का फिर, सही है कि नहीं। तो इन चीज़ों को मैं दिखा दिया करूँगा जिससे कि आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी खेलने में, स्ट्रेटेजी वगैरह में। तो भाई मतलब मेरा हिसाब से तो सही है, अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें कुछ सीखने को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और ये भैया जी तो अपनी टीम से अलग ही मतलब कहाँ पे पता नहीं एरंगल की हवाओं का मजा ले रहे थे, तो हम निपटा देते इस बेचारे को निपटा देते। भैया क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बंदे को तीन बोल देता हूँ, सॉरी भाई थोड़ा बहुत उल्टा नीचे निकल जाता है ना कुछ, तो समझ जाया करो। और यहाँ पे भैया मतलब हमने सोचा कि फ्लेयर ड्रॉप आ रहे लूटते हैं, लेकिन हमें क्या पता BRDM मंगा लिया हमने तो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक गाड़ी भी आ जाती है, तो इनको निपटाना पड़ेगा भाई साहब को। तो ये भाई लोग हमारे मशरूम टावर पे जाकर करने लगे कैंप, जो कि भाई मतलब पता नहीं कहाँ से ड्रॉप लूटने लूट के आए थे, MK चला रहे थे बंदे। तो इस बंदे को तो भाई साहब मैंने इतना डैमेज दिया कि ये 2-3 दिन तक तो देखेगा नहीं इधर। और एक दूसरा बंदा नीचे से मारने कोशिश कर रहा था, इसको मैंने पूरा ही नॉक कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने फिर से फास्ट दिखाया क्योंकि थोड़ी बहुत देर का जो पार्ट ऐसा होता है जिसे मैं काट देता तो उसे मैं थोड़ा फास्ट कर दिया करूँगा, तुम्हें समझ आ रहा हो तो भैया। और जब फास्ट मोशन चलाते गाइस तो अजीब सा ही नहीं लगता गेम, जैसे तुम गोलियाँ चलाते हो तो ऐसा लगता है भाई कौन सी मशीन चल रही है भर्र भर्र कर करके। लेकिन भाई साहब मतलब इन बंदों की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि हमसे पहले जोन इनके ऊपर से पार होने वाला था और जोन थोड़ा छोटा ही था, इतना बड़ा ही नहीं था, तो ये लोग जोन के लिए भागे और एक बंदे को हमने रास्ते में ही धर दा पहुँचा। अब इसकी हेल्थ वेल्थ कम थी, पता नहीं क्यों एक ही गोली में नॉक हो गया, तो पीछा करते हैं भैया जी इनका।
तो मुझे पता है यार, मतलब उन बंदों को मैंने इतना डैमेज तो दे ही दिया, कुछ डैमेज मेरे टीममेट ने भी दिया होगा कि भाई साहब वो बंदे ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं रुक के उनको हील तो करना ही है। तो भाई हम पीछा करते और देखो अब क्या होता है। तो भाई हमारा शक एकदम सही निकला, बंदे ज़्यादा आगे गए नहीं थे, बंदे यहीं पर आके कैप करने लगे, तो अब निपटाना पड़ेगा भाई इनको। मतलब भाई अगर मैं इसकी गाड़ी के सामने नहीं कुचला जाता ना आज यहाँ पे, तो भाई ये इजी गेम होता और शायद हम इसको निकाल पाते। लेकिन भाई मतलब क्या कर सकते हैं यार, जब किस्मत ही उल्टी हो। हालांकि ये स्कैम मेरे साथ पहले बहुत ज़्यादा होता था गाड़ी वाला, आजकल कम हो गया, लेकिन आज फिर से हो गया। बहुत दिनों के बाद मुझे याद दिला दिया कि मैं बहुत बार कुचला जाता था पहले गाड़ी से, समझ रहे हो। तो आज फिर से कुचल दिया गया, मैं एकदम से क्यों निकला आगे, मतलब मुझे पता है गाड़ी आ रही है उधर से, लेकिन भूल गया और भाई साहब गाड़ी के सामने निकल गया। यहाँ पे मुझे रिवाइव तो मिल जाता है खैर, लेकिन भाई मतलब उस टाइम पे अगर मैं नोक नहीं होता तो शायद एक बंदे को मैं वहीं गिरा लेता ओपन में ही गाड़ी से। लेकिन भाई मेरी ही किस्मत खराब थी कि मैं उधर गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम बच चुके हैं, हील वील करते हैं, थोड़ी बहुत बूस्टर वगैरह लेते हैं, फिर इन बंदों को निपटाएंगे। तो गाइस काफ़ी टीपीपी हमने लिया, ये बंदे आए ही नहीं, लेकिन दूर से मेरे टीममेट को इन्होंने नॉक कर दिया है। तो जब भाई साहब मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका है तो ये बंदे से मतलब पुश जरूर करेंगे, तो भैया इनको रोकना पड़ेगा। ओ भाई साहब मतलब बंदा एम के चला रहा, वो तो कहो कि मैं थोड़ा कवर में चला गया, नहीं तो भाई एक दो गोली पड़ती और मैं खत्म हूँ। इसको मैं पूरा ही निपटा देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे स्कैम हो जाएगा। मेरा टीममेट जो है 3 नंबर वो बहुत ज़्यादा दूर था, जो कि भाई साहब मतलब नॉक हो जाता उस बंदे से, और यहाँ पे मेरे पे लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से खुश हो गया। तो यार मतलब मैं यहाँ पे फंस गया था कि मुझे इधर से भी गोली पड़ रही, उधर से भी गोली पड़ रही, और चलो कोई नहीं भाई, गेम ही तो है, हार जीत तो होती रहती, कभी कभार हम भी हार जाते यार, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हम ही जीते। वो यार देखो 2v1 होता है ना, तो यही होता है, कभी कभार तुम फंस जाते हो दोनों तरफ से, वही मेरे साथ हो गया। यहाँ पे खतरनाक क्लिप देखने को मिलने वाला है तुमको। तो ये जो क्लिप है इसका थोड़ा क्वालिटी थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा तुमको खराब, जैसा ब्लर ब्लर टाइप का, लेकिन भाई हालांकि ये क्लच ही है एक, जो कि मेरे टीममेट सारे मर गए थे, मैं ही बचा था, जहाँ पे कि एक टीम मेरे पे पूरी पुश कर देती है। तो देखो कैसे निपटाता हूँ इनको अब मैं। तो यहाँ पे हुआ ये था कि भाई साहब मतलब ये जो बंदे थे जब मेरे पे पुश किए थे तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, समझ रहे हो, लेकिन मेरा जो टीममेट है ग्रेविक्स वो मर चुका था, जो मुझे एक्सपेक्टेड कर रहा था, तो वो रिकॉर्ड चालू किए हुए था, तो उसने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और मुझे भेजा था कि भाई तुम्हारा जो क्लच किया था, तुमने क्लच मारा था, तो भाई किसी दिन दिखा देना अपने दोस्त मतलब अपने भाई लोग को। तो मैंने कहा भैया दिखाएंगे अगर तुम भेजते, तो उन्होंने ये क्लिप भेजे, तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू उसके लिए जो उसने इस क्लिप को रिकॉर्ड की, नहीं तो ऐसी बहुत सारी क्लिप है, मतलब 1v4 1v बहुत सारी क्लिप्स भाई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुई है मेरी, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं जब जब रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरा गेम भाई बहुत तगड़ा लैग होता है, और जब लैग होता है तो भाई गेम में क्लच मारना तो दूर की बात है, एक बंदा मार दे, दो मार दे, तीन मार दे, वो ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लैग के साथ भैया गेम खेलने में बंदा मारना एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता होता ना तो ये क्लच नहीं हो पाता, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा डीसिंग चलता है रिकॉर्डिंग के साथ। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा डिवाइस ले पाए जल्दी से जल्दी, समझ रहे हो ना, अब मेहनत तो कर ही रहे, सपोर्ट मिलेगा तो भैया वो भी हो जाएगा इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो अपने चैनल में मैं डालता रहता हूँ, जिनके कि आप लोग मजे कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। और इस चैनल पर मतलब तुमको कुछ ऐसे भी वीडियो देखने को मिलते हैं जो कि एक यूट्यूबर है अगर कोई, तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं वो वीडियो, क्योंकि कमेंट्री से रिलेटेड वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ, कि कमेंट्री के मैंने सारे वीडियो डाल दिए कि कमेंट्री कैसे करें गेमिंग वीडियो वगैरह वगैरह, और अच्छी अच्छी टिप्स भी देता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब तुम एक यूट्यूबर हो तो भी कर लेना, क्योंकि तुमको हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से, ठीक है ना गाइज। और मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।